हेलो एवरीवन हम डिस्कस कर रहे थे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन सेंटर फोर्स कुछ न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट वन में पार्ट टू में हम सात से आठ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इसका पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी वहां से आप देख सकते हैं देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है अ सेटेलाइट ऑफ मास एम ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ इन एन एलिप्टिकल ट्रेजेक्ट्री ऑफ सेमी मेजर एक्सेज ए एट अ रेडियल डिस्टेंस आर इज इक्वल टू आर नॉट मेजर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ द काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल एनर्जी हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल एनर्जी ओके तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी हो जाएगी अब उन्होंने क्या कहा है इफ़ एम दिन ओवर द मास ऑफ द अर्थ एंड द टोटल एनर्जी भी दे दी उन्होंने तो वैल्यू ऑफ आर नोट बाय ए क्या होगी ठीक है अब हमें पता है कि टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है अब काइनेटिक एनर्जी उन्होंने दे रखी है माइनस जी एम एम ओवर टू ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी भी कह दिया कि इसके मैग्नीट्यूड का हाफ है तो ये एनर्जी कितनी हो जाएगी जी एम एम ओवर फोर ए हो जाएगी और प्लस में क्या जाएगा पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमारी माइनस जी एम एम ओवर आर और आर कहाँ पे है रेडियल डिस्टेंस आर इज इक्वल टू आर नोट पे बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए और यहाँ से आपको निकालना है आन ऑड ए तो यहाँ से आप ने जी एम एम थ्रो आउट कैंसिल हो जाएगा यहाँ बच जाएगा माइनस वन बाई टू एक्वल टू वन ओवर फोर ए माइनस वन ओवर आर नोट तो यहाँ से वन ओवर आर नोट क्या आ जाएगा ये ट्रा मांगी वन ओवर फोर ए प्लस वन बाई टू ए वन ओवर आर नोट इज़ इक्वल टू थ्री ओवर फोर ए आपको चाहिए आर नोट ओवर ए तो आर नोट ओवर ए क्या आ जाएगा आपके पास फोर ओवर थ्री विच इज़ वन पॉइंट थ्री थ्री तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो स्मॉल ऑसिलेशन से है सेंटर फोर्स से नहीं है आ, लेकिन आ, तरीका वही है निकालने का देखिए पार्टिकल ऑफ मास आई मूविंग इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल इस तरीके से दिया हुआ है एट इक्वल टू जीरो पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट एक्स इक्वल टू ए है टाइम जीरो है एक्स ए है यानी यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जीरो है ठीक है फॉर बाउंडेड मोशन द टाइम पीरियड ऑफ इट्स मोशन इज हमें पता है कि जो टाइम पीरियड होता है आ, अगर आप लिखो ओमेगा के टाइम में तो हमें पता है टू पाई ओवर टी क्या होता है ओमेगा के इक्वल होता है जो कि इक्वल होता है डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्र ओवर एम और ये टर्म होती है एट इक्बिरियम जहाँ पे भी एक्लिबियम हो तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है टाइम पेड निकालना है तो उसके लिए पहले उमेगा निकाल लीजिए वो क्या आ जाएगा डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्र एट इक्वरियम मतलब एक्स इक्वल टू ए भी डिवाइडेड बाई एम तो ये टर्म क्या आ जाएगी दिस टर्म इज़ अंडर रूट डी ओवर डी एक्स ऑफ एक बार डरिवेटिव अगर हम करें डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स फोर ये दे रखा है ओवर एम ठीक है कहाँ पे एट एक्स इक्वल टू ए पे आपने निकाले हैं तो ये ओमेगा जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूड टी बाई डी एक्स ऑफ फोर के एक्स क्यूब एक्स इक्वल टू ए ए डिवाइडेड बाई एम विच इज इक्वल टू ट्वेल्व के ए स्क्र डिवाइडेड बाई एम ये ओमेगा आ गया हमारे पास अब यहाँ पे ओमेगा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के और हमें पता है टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वन बाई ओमेगा के तो यहाँ से टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए इनवर्स के प्रोपोर्शनलिटी आपसे पूछी है तो ये आपका प्रोपोर्शनल टू ए इनवर्स बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द अट्रैक्टिव कैपुलर्स प्रॉब्लम डिस्क्राइब बाय द सेंटर पोटेंशियल ये पोटेंशियल आपको गिवन है अ पार्टिकल ऑफ मास एम विद अ नॉन जीरो एंगुलर मोमेंटम कैन नेवर रीच द सेंटर ड्यू टू द साइंटिफिकल बैरियर इफ़ we modify द पोटेंशियल to दिस वन फाइंड दैट there is अ क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल सी बिलो विच देर इज नो साइंटिफिकल बैरियर तो वो क्रिटिकल वैल्यू आपको निकालना है तो देखिए क्या तरीका है पहले आपका पोटेंशियल जो गिवन है वो क्या है माइनस के ओवर आर इसके लिए जो आपका वीफ एक्टिव होगा वो क्या आ जाएगा एल स्केयर ओवर टू एम आर स्क्र माइनस के ओवर आर इस वी फैक्टिव के लिए इक्ली पॉइंट निकाल लीजिए क्या होगा इस वी फैक्टिव का क्योंकि आपको क्या बताना है वहाँ पे कि वो सेंटर की तरफ आना चाहिए तो उसके लिए इक्ली पॉइंट uh, आपको निकालना है तो डी वी इफेक्टिव ओवर डी आर निकाल लीजिए वो आ जाएगा माइनस एल स्केयर ओवर एम आर क्यूब प्लस के ओवर आर स्क्यर इक्वल टू जीरो तो यहाँ कंपेयर करें तो आपके पास क्या आ जाएगा इक्वल टू दिस एम्प्लाई एल स्केर ओवर एम आर क्यूब इक्वल टू के ओवर आर स्केयर और आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एल स्केर ओवर एम के ठीक है तो इस पॉइंट पे ये इक्लिबीरियम पॉइंट है हमारे पास इस पॉइंट पे आपका जो है इक्लिबीरियम में होगा स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा पर डबल डिवेटिव से देखते हैं अब उन्होंने क्या कर दिया पोटेंशियल को मॉडिफाई कर दिया तो फॉर मोडिफाइड पोटेंशियल वी इफेक्टिव हम कैसे लिख सकते हैं एल स्केर ओवर टू एम आर स्केर माइनस के ओवर आर माइनस बीटा ओवर आर क्यूब और स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए आफ्टर मॉडिफिकेशन द डबल डेरिवेटिव ऑफ वी इफेक्टिव ओवर विद रिस्पेक्ट टू आर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो तभी आपका पॉइंट जो है स्टेबल होगा यानी क्रिटिकल वैल्यू पूछा है तो दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो तो इसका डबल डेरिवेटिव कीजिए डी वी इफेक्टिव ओवर डी आर इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस एल्स केयर ओवर एम आर क्यूब प्लस के ओवर आर स्क्वेयर और प्लस थ्री बीटा ओवर आर फोर एक बार और डेरिवेटिव कर दीजिए वी ओवर डी आर स्क्र इक्वल टू क्या आ जाएगा एंड दिस एक बार और डेरिवेटिव दीजिए क्या आ जाएगी थ्री एल स्क्र ओवर एम आर फोर माइनस टू के ओवर आर क्यूब और माइनस ट्वेल्व बीटा ओवर आर फाइव एंड दिस मस्ट भी इक्वल टू जीरो कहाँ पे वन एल इज़ क्रिटिकल और आर जो है आपका किसके इक्वल होगा आर नॉट के इक्वल होगा उस टाइम पे ठीक है और ये एल क्रिटिकल आपको निकालना है बस इसमें से वन ओवर आर क्यूब या वन ओवर आर फाइव से या फर फाइव से आप इसको तो थ्रो आउट क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए तो ये टर्म क्या आ जाएगी थ्री एल सी स्क्वेयर यहाँ आ जाएगा आर नॉट स्क्र माइनस टू के सॉरी आर नॉट माइनस टू के आर नॉट स्क्र और माइनस ट्वेल्व बीटा इक्वल टू ज़ीरो ठीक है तो यहाँ से आर नोट की वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपके पास गिवन है ये आ गया थ्री एल सी स्क्वेयर आर नोट क्योंकि क्रिटिकल है एल सी स्क्वेयर ओवर एम के माइनस टू के और ये आ जाएगा आपका एल सी स्क्वेयर आर नोट स्क्र है तो एल सी फोर ओवर एम स्क्र के स्क्वेयर माइनस ट्वेल्व बीटा इक्वल टू जीरो तो यहाँ से एल सी फोर कॉमन आ गया यहाँ बच गया थ्री ओवर एम के यहाँ बच गया माइनस टू ओवर यहाँ एक एम गायब हो गया लेट मी चेक हाँ नीचे एम भी तो था ना इसके नीचे एम था ठीक है तो ये एम स्क्र के हो गया ये एम स्क्वेयर के हो जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा ट्वेल्व बीटा तो ये क्या बच जाएगा आपका एल सी फोर ओवर एम के इंटू में वन तो एम के इज इक्वल टू ट्वेल्व बीटा यहाँ से एल सी क्या आ जाएगा ट्वेल्व बीटा एम के एम स्क्वेयर के एम स्क्वेयर के रेज टू पावर वन बाय फोर ये आंसर आ जाएगा तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप पार्टिकल ऑफ मास आई एम मूविंग इन द सेंटर पोटेंशियल ये गिवन है इलेक्प्टिकल ऑर्बिट के लिए आर डिफाइन है ठीक है ए एंड ई आर डिनोट द सेमी मेजर्स और असेंट्रिसिटी रिस्पेक्टली टोटल एनर्जी इज दिस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें पता है टोटल एनर्जी क्या होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी या वी से हम डिनोट करें यानी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी ई e माइनस वी ठीक है काइनेटिक एनर्जी क्या है ई e, e क्या है माइनस के ओवर टू ए वी क्या है माइनस माइनस प्लस के ओवर आर ठीक है अब काइनेटिक उसने क्या कहा है कि काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए आपकी मैक्सिमम तो उसके लिए माइनस के ओवर टू ए तो फिक्स टर्म है आपकी प्लस के ओवर आर क्या हो जा हो जाना चाहिए मिनिमम होना होना चाहिए ठीक है तो इस इक्वेशन में आर मिनिमम आपने पुट करना है आर क्या गिवन है आपको आर इज इक्वल टू ए वन माइनस ई स्क्वेयर ओवर वन प्लस ई ऑफ थीटा आर मिनिमम कब होगा वैन कोस ऑफ थीटा इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ठीक है मैक्सिमम वैल्यू कब होगी एन कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू वन हो तो यहाँ पे आर मिनिमम की वैल्यू क्या आ गई ए वन माइनस ई स्क्वेयर ओवर वन प्लस ई जो कि इक्वल होगा वन ए इंटू वन माइनस ई वन प्लस ई डिवाइडेड बाय वन प्लस ई वन प्लस ई से कैंसिल हो गया दिस ट्रम इज ए वन माइनस ई ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ जाएगी वो क्या आ जाएगी माइनस के ओवर टू ए प्लस के बाय यहाँ पे आपका आ जाएगा के बाय क्या था हमारा हाँ आर मिनिमम ए वन माइनस ई ठीक है यहाँ से के बाय ए को कॉमन ले लीजिए माइनस वन बाय टू और प्लस वन वन माइनस ई आ जाएगा या आ गया के बाय ए इंटू यह आ गया माइनस वन प्लस ई प्लस टू डिवाइडेड बाई टू इंटू वन माइनस ई ठीक है यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर क्या बच जाएगा आपका ई प्लस वन डिवाइडेड बाई टू वन माइनस ई और के बाय ए ठीक है तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस के बाय टू एंटू में वन प्लस ई ओवर ई माइनस वन और ये टर्म क्या है टोटल एनर्जी तो ई वन प्लस ई ओवर ई माइनस वन ठीक है सिंपल सा मैथमेटिकल आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना था और कुछ नहीं था इसमें तो ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन uh, बी यहाँ पे करेक्ट होगा नेक्स्ट ऑप्शन है कंसिडर सर्कुलर ऑर्बिट इन द सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल इस तरीके से दिया हुआ है इफ द टाइम पीरियड ऑफ अ सर्कुलर ऑर्बिट रेडियस आर इज टी वन एंड द रेडियो आर इज टी टू अगेन टी टू ओवर टी वन आपको निकालना है तो टाइम पीरियड के लिए पहले आपको ओमेगा पता होना चाहिए और हमें पता है कि ओमेगा जो होता है सेंट्रल फोर्स में डी टू वी फैक्टिव ओवर डी आर स्कहाँ पे अवेन आर जो है आपका आर नोट यानी के इक्वल होता है तो पहले वी इफेक्टिव लिखिए वी इफेक्टिव किसके इक्वल होगा वी इफेक्टिव इज इक्वल टू आपका आ जाएगा एल uh, स्क् आर स्क्र प्लस के ओवर आर एज टू पावर एन के इक्वल होगा यहाँ से हाँ पॉइंट निकाल लीजिए डी वी इफेक्टिव ओवर डी आर इक्वल टू जीरो इक्वल टू माइनस एल स्क्र ओवर एम आर क्यूब माइनस एन के ओवर आर एज टू पावर एन और आपका आ जाएगा प्लस वन ठीक है इस तरीके से आ गया तो आप इसको लिख सकते हैं दिस टर्म विल बी इक्वल टू ज़ीरो ठीक है तो यहाँ से रिलेशन निकाल लीजिए हाँ यहाँ से रिलेशन क्या आ जाएगा एल स्केर ओवर एम आर क्यूब इक्वल टू माइनस एन के ओवर आर एज टू पावर एन प्लस वन ठीक है तो यहाँ से आपका एल स्केयर की वैल्यू आप निकाल लीजिए क्या जाएगी? Nk power, आ जाएगी माइनस एन के डिवाइडेड बाय आर रेज टू पावर बाई थ्री हो जाएगा तो एन माइनस टू हो जाएगा ठीक है ये रिलेशन हमारे पास आ गया ठीक है अब आपने निकालना है इसका डबल डेरिवेटिव तो डी टू वी इफ़ेक्टिव ओवर डी आर अगर हम करते हैं तो दिस टर्म इज़ इक्वल टू थ्री एल स्केर ओवर एम आर फोर और प्लस एन इन टू एन प्लस वन के ओवर आर रेज टू पावर एन प्लस टू ये आ जाता है हमारे पास ठीक है वी इफेक्टिव और ये आपका जो है आपने निकालना है एट आर नोट पे यानी इस इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे आप एल स्केर क्योंकि आपको डिपेंडेंसी आर के टर्म में चाहिए तो एल स्केयर की वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो ओमेगा जो हमारा आ जाएगा वो इक्वल टू आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ थ्री बाय एम आर फोर इन टू माइनस एन के एम ओवर आर एज पावर एन माइनस टू प्लस एन इन टू एन प्लस वन के डिवाइडेड बाय आर एज टू पावर एन प्लस टू डिवाइडेड बाय एम ठीक है तो यहाँ पे मल अगर आप इसको ऐड करेंगे तो देखिए ये डिपेंडेंसी जो है ओमेगा बाकी सारी टर्म जो भी है दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाय अंडर रूट आर एज टू पावर एन प्लस टू के इक्वल होगी गई यहाँ से एन प्लस टू बन रहा है ठीक है यहाँ से भी एन प्लस टू बन रहा है तो ये डिपेंडेंसी आ गई और ये क्या है टू बाय टी इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय अंडर रूट आर एज टू पावर एन प्लस टू या फिर आप कह सकते हैं टी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आर एस्ट पावर एन प्लस टू या फिर हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनल टू आर एस्ट पावर एन बाई टू प्लस वन ठीक है अब हमें निकालना है टी टू बाय टी वन और टी टू टाइम पे रेडियस क्या है टू आर रेज टू पावर क्या आ जाएगी एन बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाई आर रेज टू पावर क्या आ जाएगी एन बाई टू प्लस वन तो ये टर्म आ जाएगी टू रेज टू पावर एन बाई टू प्लस वन के इक्वल तो ऑप्शन जो है यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था जो कि गेट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में पूछा गया है आप इसको नूमेरिकली uh, इसको सोल्व नहीं कर सकते ग्राफिकली आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते थे देखिए क्या दिया हुआ था कि एक पोटेंशियल अगर इस तरीके से दिए हुए हैं एंगुलर मोमेंटम ये है तो आपको बताना था कि कितने इकलीबिर पॉइंट होंगे स्टेबल होगा या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा ये आपने बताना था तो यहाँ पे अगर आप वी फैक्टिव लिखें वी फैक्टिव हमारा क्या आ जाएगा एल स्केयर ओवर टू एम आर माइनस वी नोट ई पर माइनस आर स्केयर एल की वैल्यू पुट करें तो वो आपको दे रखी है वन बाई टू वी नोट जो आपका एल दे रखा है वो वन बाई टू रूट वी नोट है तो एल क्या आ जाएगा ये आ जाएगा वन बाई फोर वी नोट ये वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा वी नोट बाई एट एम आर स्क्वेयर माइनस वी नोट ई एस टू है माइनस आर स्क्वेयर ठीक है तरीका तो ये होता है कि आप इसका सिंगल डेरिवेटिव कीजिए इक्वल टू जीरो पुट कीजिए वहाँ से आर निकालिए ठीक है, है एक और फिर डबल डेरिवेटिव में चेक कीजिए कि वो ग्रेटर है या फिर लेस है अगर हम इसका सिंगल एक बार करके देख लेते हैं अगर हम इसका सिंगल डेरिवेटिव को जीरो पुट करें इफेक्टिव ओवर डी आर को जीरो पुट करें तो ये टर्म आपकी आ जाती है दिस विल बी इक्वल टू तो माइनस वी नोट ओवर फोर एम आर क्यूब और ये आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस टू आर वी नॉट इ रेस्ट पॉ माइनस आर स्क्यर इक्वल टू जीरो तो यहाँ से बनेगी नहीं है आपकी इक्वेशन तो ये वी नोट ओवर फोर एम आर क्यूब इक्वल टू टू आर वी नोट इ रेस्ट पॉ माइनस आर स्क्र आ गया वी नोट से वी नोट जो है कैंसिल हो गया आ, इसको इधर ले आइए स्टम को इधर ले जाइए तो ये आ जाएगा आपका और आपका जो यूनिट मास दे रखा है तो एम वन पुट कर दीजिए यहाँ पे एम को वन पुट कर दीजिए तो ये इक्वेशन इस तरीके से आ जाती है ई रेस्ट पार स्केर इज इक्वल टू एट आर फोर या फिर हम लिख सकते हैं ई रेस्ट पार आर स्क्वेयर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं हाँ एट आर फोर लिखी आपने अगर आप वन बाई फोर करना चाहते हैं तो एट रेस्ट पार वन फोर और आर इंटू में ये टर्म क्या आ जाएगी बाय फोर ये इक्वेशन आपकी बन गई तो आप इसको ग्राफिकली ही सोल्व कर सकते हैं और अगर ग्राफिकली सोल्व करेंगे तो देखिए इसका जो ग्राफ आएगा इस तरीके का आएगा कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया ये तो कोई कांस्टेंट टर्म है स्टेट लाइन ग्राफ आ गया ठीक है अगर आप जीरो पुट करते हैं तो कुछ कॉन्स्टेंट टर्म यानी वन के इक्वल आपकी आती है यहाँ पे अगर आप प्लस इन्फिनिटी पुट करते तो भी इन्फेनाइट जाता और माइनस इन्फाइनइट पुट करते हैं तो भी इन्फिनाइट जाता तो ये ग्राफ जो है इस तरीके का आपका बनता है ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टू पॉइंट पर कट कर रहा है यानी कि सोल्यूशन जो आ रहा है दो जगह पर आ रहा है आपका फॉर दिस इक्वेशन तो दो दो हमारे इक्िबिनम पॉइंट होंगे ये तो श्योर है लेकिन वो आपके स्टेबल होंगे अनस्टेबल होंगे वो हम इससे नहीं निकाल सकते वो हम निकाल सकते हैं वी इफेक्टिव के ग्राफ से अगर आप विद रिस्पेक्ट टू आर वी इफेक्टिव का ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो वो ग्राफ इस फॉर्म का आएगा देखिए पहली टर्म क्या है वन ओवर आर स्क्वेयर की तो यहाँ पर डिके जो है स्लो होगा कंपेरेबल टू द नेक्स्ट टर्म ये टर्म आ गई आपकी एल स्क्र ओवर एम आर स्क्र की तब टू एम आर स्केर की ठीक है नेक्स्ट जो है माइनस वी नोट यानी कि एक अगर आप आर को जीरो पुट करते हैं तो माइनस वी नोट है यहाँ माइनस वी नोट है और ये इन्फिनेटी पे जो है आपकी जीरो को अप्रोच कर रही है तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल डिके का ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का आएगा ठीक है अगर इन दोनों ग्राफ को आप मिलाते हैं तो ये ग्राफ की जो फॉर्म बनेगी वो इस तरीके की बनेगी हमें पता है कि ये दो पॉइंट पे कट कर रहा है तो एक पॉइंट तो ये हो गया ठीक है तो दूसरा पॉइंट भी कहीं कट करना चाहिए अगर ये यहाँ कट करता है तो ग्राफ की जो फॉर्म होगी वो इस तरीके की आएगी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मान लो ये आर वन है यह आपका आर टू पॉइंट है तो आर वन पे जो है स्टेबल इक्लिबरियम है और आर टू क्या है अनस्टेबल इक्लिबेरियम है तो इस तरीके से आपका जो दो इक्लिबरियम बन रहे हैं और एक स्टेबल इक्लिबरियम है दूसरा क्या है अनस्टेबल इक्लिबेरियम है ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आप आर्टिकल मूविंग इन सेंट्रल फोर्स फील्ड आर एट आर इक्वल टू जीरोक्ट्री ये दे रखी है आपको पोलर कोऑर्डिनेट फोर्स पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा तो हमें इक्वेशन पता है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है देखिए आर आपको गिवन है इरेस्ट फॉर माइनस अल्फा थीटा हमें पता है कि जो वन बाय आर होता है वो यू के इक्वल होगा जो कि रेस्ट पर अल्फा थीटा के इक्वल होगा हमें डिफरेंशियल इक्वेशन भी पता है दैट डे टू यू ओवर डी थीटा स्क्यर प्लस यू इज इक्वल टू माइनस एम ओवर एल स्क्र यू स्केर एफ ओफ आर ठीक है यहाँ पर यू की वैल्यू पुट कर दीजिए और एफ ओफ आर आपको मिल r. तो जाएगा डिपेंडेंसी ऑन आर तो ये आ जाएगा डी टू ओवर डी थीटा स्क्यर ऑफ इरेस्ट पार अल्फा थीटा प्लस इरेस्ट पर अल्फ़ा थीटा इक्वल टू माइनस एम ओवर एल स्वेयर इरेस्ट पर टू अल्फ़ा थीटा एफ ओफ आर ठीक है तो ये आ गया अल्फ़ा स्क्यर इरेस्ट पार अल्फा थीटा प्लस

इक्वल टू एफ ओफ आर अगेन आर की टर्म में ले जाइए हमें पता है कि यू इक्वल टू ई रेज पर अल्फा थीटा है दिस सिंप्लाई आर जो है हमारा ई रेज पर माइनस अल्फ़ा थीटा हो जाएगा तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं दिस टर्म इज माइनस एल्स के रोवर एम अल्फ़ा स्क्र प्लस वन ई रेज टू पावर थ्री अल्फ़ा थीटा इक्वल टू एफ ओफ आर अब आर की फॉर्म में लिख दीजिए माइनस एल्स के रोवर एम अल्फा स्क् प्लस वन और ये आ गया वन बाई आर क्यूब इक्वल टू एफ ओ फार यानी एफ ओ फार जो है प्रोपोर्शनल है आर एस्ट फार माइनस थ्री के ठीक है तो ऑप्शन जो है आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का कुछ है कि सेंट्रल फोर्स आपको ये दे रखा है जहाँ पे के और ए पॉजिटिव कांस्टेंट है अगर वो सर्कुलर मोशन करता है पार्टिकल तो इक्वेशन में जो रेडियस आ नोट वो कौन सी इक्वेशन से आप बताएंगे ठीक है तो सर्कुलर मोशन में हमें पता है कि वी फैक्टिव जो होता है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर क्या आना चाहिए जीरो आना चाहिए तो वी फैक्टिव लिख लीजिए क्या आ जाएगा एल स्क्र ओवर टू एम आर स्क्वेयर और ये देखते है माइनस के ओवर आर इज इज माइनस ए आर इस तरीके से ठीक है तो इसका सिंगल डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए डी वी इफेक्टिव ओवर डी आर शुड भी इक्वल टू तो ज़ीरो अगर ये आप पुट करें तो ये आ गया माइनस एल स्क्र ओवर एम आर क्यूब और एक बार इसका किया तो प्लस के ओवर आर स्क्वेयर इजर्स माइनस ए आर इसका करेंगे तो प्लस में आ जाएगा आपका ए के ओवर आर इजर्स माइनस ए आर एंड दिस विल भी इक्वल टू ज़ीरोक है यहाँ से आपको आर कहाँ पर है ये एट एट है आर इज इक्वल टू आर नोट पर आपको निकालना है तो आर को रिप्लेस कर दीजिए आर नोट से तो ये इक्वेशन आ गई दिस ट्रम इज माइनस एल स्क्र ओवर एम आर नोट क्यू प्लस के ओवर आर नोट स्क्वेयर ई रेजपा माइनस ए आर नोट प्लस ए के ओवर आर नोट ई रेजपा माइनस ए आर नोट ठीक है इक्वल टू जीरो थ्रो आउट आर नोट क्यूब से मल्टीप्लाई कर दीजिए आर नोट स्क्वेयर से कर दीजिए तो ये आ जाएगी माइनस एल स्केर ओवर एम आर नोट प्लस के इधर फॉर माइनस ए आर नोट प्लस ए आर नोट के इधेज फॉर माइनस ए आर नोट इक्वल टू जीरो ठीक है इस स्ट्रम को एक तरफ ले लीजिए तो ये आ गया एल स्केर ओवर एम आर नोट इक्वल टू ये बचाएगा हमारे पास के इज पर माइनस ए आर नोट को कॉमन ले लिया वन प्लस ए आर नोट ये बच गया ठीक है तो इस रिलेशन से आपका जो आर नोट है वो डिफाइन होगा तो चेक कर सकते हैं ऑप्शन बी यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर तो ये क्वेश्चन थे और इनका पीडीएफ जो है मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में थैंक यू